नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम आज फिर से वही भूतिया हवेली के रहस्य की खोज करने वाले हैं, जिसे हमारे दोस्तों ने पिछले 3 भागों में अन्वेषण किया था। जब हमारे दोस्त रूम में पहुंचे, तो वे देखते हैं कि यह अजीब सी बुनाई हुई छदरों से भरी हुई है और छदरों पर उसी पुराने आदमी की चित्र थी जो हंसता हुआ दिखाई देता है। पियानो और वो अजीब हंसी की आवाज़ और भी तेज़ी से बढ़ रही है और वे देखते हैं कि पियानो के ऊपर एक छोटी सी खिड़की है जिससे वो दुनिया के बाहर की ओर देख सकते हैं। वे खिड़की से बाहर देखते हैं और वहाँ कुछ अजीब सा दृश्य होता है। हवेली के बाहर कुछ अजीब से पुराने आदमी जैसे लोग हंसते हुए घूम रहे हैं और वे पुरानी बगीचे में खेल रहे हैं। इस समय दोस्तों को समझ में आता है कि वे भूतिया हवेली में कुछ अजीब हो रहा है और इसका सीधा संबंध उस पुराने आदमी की तस्वीर से हो सकता है। वे धीरे धीरे वो रूम में वापस बढ़ते हैं और वहाँ वो पुराने आदमी की तस्वीर खड़ी है जो डर के साथ हंस रहा है। धीरे धीरे वे तस्वीर के पास पहुँचते हैं और तब वो एक अजीब सी बात समझते हैं। ये तस्वीर उनके खुद के चेहरे की है और वो डर के साथ हंस रहे हैं। क्या हमारे दोस्त भूतिया हवेली के जाल में फंसे हुए हैं? क्या वो वही पुराने आदमी के संवादक हैं जो हंसते हुए इस रूम में बंद है? हम इस भूतिया हवेली के रहस्य का पीछा करने के लिए इस समस्या को सुलझा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हमें आगे की कहानी का इंतजार करना होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस भूतिया हवेली के रहस्य के अगले भाग के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखें, हमें डरावनी कहानियों का सामर्थ्य हमेशा होता है।